बाद मिले, हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। ये आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स कितनी स्मार्ट। मेरे भाई आ गए हैं फाइनली, बहुत वेट कराए हैं। अच्छा मैं आपको बता, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। मैं बता दूं कि जैसे कि मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, तो आज मैं उत्तराखंड जा रहा हूं। तो सबसे पहले उत्तराखंड में मैं देहरादून जाऊंगा। तो अभी मेरी 9 बजे की ट्रेन है, तो राइट नाउ 8:15 हो गए हैं। तो मैं बस अभी निकलने ही वाला हूँ। मैंने फुल बैग वैग पैक कर लिए, आप देख सकते हैं मेरे बैग। तो दूसरा बैग गिरा, मैंने बैग पैक कर लिए। तो अभी खाना खाने जा रहा हूँ, फिर खाना खा के निकलूँगा। तो फुल रूम में गंद पा दिया है पूरा, फिर जाऊँगा यहाँ से सीधा। सबसे पहले मैं बस स्टैंड जाऊँगा, तो बस स्टैंड में देखता हूँ, अपनी सिस्टर को बोलूँगा कि वो मेरे को छोड़ के आया, बट वो थोड़ा नखरे कर गया यार, उसको थोड़ा मनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सीधा ट्रेन से सीधा सहारनपुर, सहारनपुर से बस लेके सीधा देहरादून। तो रस्ते में जो भी जैसे भी जो भी सिचुएशन होगी, जो भी कंडीशन होगी, वो आपको मैं दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें। बाय। तो गाइस हम यहाँ पे अभी पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन सामने पटियाला का, आपको दिख रहा होगा। तो बाकी की जानकारी आगे देखते हैं क्या हो रहा है स्टेशन के अंदर। ये स्टेशन का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा खाली पड़ा है। अरे यार यहाँ पे ये बोल रहे थे कोरोना के लिए रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ मांग रहे, अभी पता नहीं है कुछ। देखिए अपने पटियाला रेलवे स्टेशन का ड्यू टू कोविड का व्यू है, तो अभी स्टेशन सारा खाली पड़ा है। देखिए तो यहाँ पे ठीक ठाक क्राउड है, सबके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है। तो जो भी उत्तराखंड जा रहे हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रही है कि अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। तो ये ट्रेन के अंदर भी चेक कर सकते हैं। ये स्टेशन के पास पटियाले वालों को बता देता हूँ, ये कुछ बन रहा है स्टेशन के बिल्कुल साइड में ही बन रहा है। ये मे भी मेरे को लग रहा है कुछ होटल टाइप या गेस्ट हाउस बनाएंगे। अरे आप देख सकते हैं ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है, तो ट्रेन मेरी आने वाली है। तो अभी ट्रेन आएगी, फिर उसमें सीट में बैठ के देख के अभी बनाएंगे फिर आप। मास्क पहन लो, चलान हो जाएगा, और इनको तो 2000 देगा जुर्माना लगाना है, बस मौका चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अम्बाला कैंट आ गया है, यहाँ का कुछ व्यू इस तरह से है। गाइस देखिए अम्बाला कैंट का व्यू स्टेशन का कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमारी फ्रेंड रहती हैं दो, मिस रूपल शुक्ला एंड जीतू। होप आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरीज है इस स्टेशन में, काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग जब भी दिल्ली से आते थे तो यहाँ पे रुकते थे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खा के जाते थे। तो दिल्ली से जब भी हम आते थे 6 बजे ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचती थी। तो ये कुछ अम्बाला का नज़ारा देखिए आप यहाँ। गाइस मेरी डेस्टिनेशन स्टेशन आ गई है, जो कि है सहारनपुर। सहारनपुर पहुंच गया हूं मैं, ये मेरी ट्रेन है, अभी अभी उतरा हूं। तो यहां से अभी देहरादून के लिए मैं बस लूँगा। तो ये सहारनपुर का जो माहौल है वो देखिए आप। तो ये आप देख सकते हैं यहां पे ये कोरोना टेस्ट कर रहे हैं यहीं पर स्टेशन में बैठ कर। ये सहारनपुर
के कुछ बाहर का माहौल है, आप देखिए। तो ये इन्होंने कोरोना टेस्ट भी जो है यहीं पे कर रहे हैं मुसाफिरों के पास, अपनी कोरोना रिपोर्ट नहीं है उनका, ऑन द स्पॉट कोरोना करके वे कर रहे हैं। तो अभी जो है मेरे को बस लेनी है देहरादून के लिए। तो गाइस सहारनपुर में इसलिए उतर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो देहरादून का रास्ता है सीधा 1.5 घंटे का है, 1.5 से 2 घंटे में मैं देहरादून पहुँच जाऊँगा। वही अगर मैं हरिद्वार जाता तो मेरे को 1.5 घंटे में मैं ट्रेन से ही हरिद्वार पहुँचता, तो वो मेरा काफ़ी जो टाइम है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं सहारनपुर का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से भी मैंने एग्ज़िट लिया। तो मेरे को एक्चुअली बस का पता नहीं है कहाँ से मिलेगी, तो अभी मैं बस देखता हूँ, पूछते हैं यहाँ पे किससे बस। गाइस ये सहारनपुर की मार्केट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन के पास पड़ती है बिल्कुल। तो यहाँ से आई थिंक ये बस स्टैंड है सहारनपुर का, तो यहाँ से देहरादून के लिए मेरे को बस मिल ही जाएगी। अच्छा तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे को जो देहरादून जाने के लिए बस है वो मिल गई है, 95 रुपीज़ का जो है फेयर वो अभी हो गया है। मतलब मैं कम से कम 3 साल बाद आया हूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए। तो अभी अराउंड 12 बजे हैं तो मेरे को लगता है मैं 1:30 बजे तक देहरादून आई एस बी टी पहुँच जाऊँगा। 11:40 पे मेरी ट्रेन जो है सहारनपुर रेलवे स्टेशन में पहुँच गई है, तो आपको रास्ते के व्यू दिखाते रहूँगा तब तक आप वीडियो में। तो गाइस 1:40 हो गए हैं पूरे और मैं जो देहरादून का ISBT है वहाँ पे पहुँच गया हूँ। कुछ इस तरह से व्यू है देहरादून का। तो गाइस मैं यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ अपने भाई का, तो वो अभी आ रहे हैं, उनसे मुझको काम है, तब मैं अपनी बस लेके घर के लिए जाऊँगा। तो यहाँ पे पास ही में एक ढाबा है, तो मेरे पास अपना लंच तो है बट यहाँ पे खाने के लिए बैठने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, इसलिए एक सब्ज़ी मंगाई है। तो यहाँ पे बैठ के हम उनका वेट भी करेंगे और खाना भी खाएंगे, तब तक आप वीडियो में बने। तो ये मेरी दाल आ गई है, सब्जी मेरे पास है, अब मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये मेरे भाई आ गए हैं फाइनली, बहुत वेट कर आए हैं। अच्छा मैं आपको बता दूँ गाइस कितने टाइम बाद मिले भैया, 2 साल बाद, 2 साल नहीं भाई ज़्यादा टाइम हो गया, 5 साल बाद मिले तक। मैं तब मिला था ना जब इनकी शादी नहीं हुई थी, अब इनके 2 बच्चे हो गए हैं। ठीक है और बताओ। अभी भैया चले गए हैं तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ, बस आई नहीं अभी तक, तो जब बस आएगी तब जाएंगे घर पे। बस जो है फाइनली मेरे को मिल गई है रायपुर के लिए। फाइनली मैं यहाँ रायपुर पहुँच गया हूँ, तो वाह यहाँ के नज़ारे देखिए आप। ये रायपुर मेन चौक है जो रायपुर की मार्केट है, तो इस बस में आया था मैं, बहुत अच्छी बस है ये, इसने मेरे को 1 घंटा लगा दिया। रायपुर मार्केट से जो हिल सीख रही है कितना प्यारा लग रहा है। ये फाइनली मेरी बहन आ गई है, मिले हम बहुत टाइम बाद मिले हैं, ये आफ्टर थ्री इयर्स कितनी स्मार्ट हो गई है, पर चेहरे पे थोड़ी सी दाग है, कोई बात नहीं चलेगा। मेरे को मिनी मिल गई है और हम अपने घर जा रहे हैं। तो बहुत टाइम हो गया गाइस, सुबह
साढ़े आठ से निकला हूँ मैं, तो ये देखिए ये रायपुर की मार्केट है, ये सारी रायपुर की मार्केट है। तो ये देखिए ये हमारा जो घर है यहाँ खूबसूरत वादियों के बीच में, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है आपको यहाँ पे। और आपने मेरा घर तो देख ही रखा है, पटियाले वाला, आप देहरादून वाला घर भी देखिए आप। यहाँ थोड़ा सड़कें ख़राब है एक्चुअली, यहाँ पे अभी काम चल रहा है ना, हमारी लड़की ने ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर रही है, दो साल तीन साल भी इसने काफ़ी अपडेट कर दिया, तीन साल पहले तो ये लोगों को ठोकती थी। यहाँ से हम अपने घर के लिए लेफ्ट लेंगे, ये देखिए हमारे यहाँ की फसल पकी, हमारे यहाँ की भी फसल पकी और इनके यहाँ की भी फसल पकी। ओ बेटे ये देखो, वो आपको जो हिल्स दिख रही हैं उसके बिल्कुल ठीक पश्चिम दिशा में हमारा घर है, ये आ गया हमारा घर सामने। ये खूबसूरत लड़की जी को गाय धन्यवाद बोल दो, पट्टी वाले जूते बाहर उतारी। हमारा घर आ गया, वही देखो ये उसको पानी दे रही है, ये मेरे को पानी दे रही है। ओ बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, चार साल बाद। गौर से देखो इस लड़की को, जो ये छोटी वाली लड़की, इसकी शादी में आया था मैं लास्ट टाइम, हमारी बहन। ये लड़की जो है पहले ऐसे थी, फिर इसको पंडित जी ने कहा फेरन लबी लगाओ, अभी ऐसे हो गई। गुड इवनिंग गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं देहरादून में हूँ, तो ये आप मेरे पीछे व्यू देख रहे होंगे, माउंटेन्स कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारा शाम का व्यू है, तो अभी मैं आपको इसमें कुछ नाइट का व्यू भी दिखाऊँगा। यहाँ पे मसूरी का व्यू जो है बहुत प्यारा आता है, सामने वाली हिल जो आपको जिसमें लाइट दिख रही है वो सारा मसूरी व्यू है। तो ये यहाँ का व्यू देखिए आप, क्या ये मेरे को काटेगा अगर मैं इसके पास जाऊंगा, आई डोंट नो, क्या पता काट सकता है।
वो ये ऐसे करो ना मिट्टे ऐसे, वो सामने वाली ये वाली ये ओके ये सारे गाइस आप देख रहे हो जो है मसूरी हिल्स है। तो ये देखिए यहाँ का नाइट का व्यू, कौन सा वाला ये? नथु वाला। ये सारी इनकी जमीन है, मीनाक्षी खाती गुसाई। हाँ, मुझे दिखाओ तो यार, है कोई है कोई? कमेंट करें जरूर है लड़का जजमानों में होना चाहिए, ब्राह्मण हमारे शूट नहीं करते हैं। क्या कर रहा है लड़की यार, तेरे फ्लैश नहीं आ रहा है। आ गया।